दादाजी दादाजी हमें प्रणाम मत करो, हम तो नालायक हैं, बजरंग बली को प्रणाम करो जिनकी कृपा से सब होता है काम। इधर आइए नजदीक, क्या नाम है आपका? अशोक साहू। अच्छा, हमने बुलाया था क्या? तो तुमने यहाँ नाम लिखवाया था क्या? किसी ने पूछा था कि? नहीं। हमें कैसे पता चला बताओ लो तुम? हनुमान जी आपके ऊपर में है। कहाँ? इतने जहाँ भी हो हनुमान जी आपके ऊपर में गुरुदेव, ये सब आप गुरु जी का कृपा। आपने बोल रहे हनुमान जी बुलवा रहे हैं। हाँ ये सही है, ये सही है, ये बात तो 100% आई एक्सेप्ट इट। सीताराम थोड़ा नजदीक आओ, लगाना चाहते। कहाँ रहते हो आप? बोल श्या बलराम चंद्र भगवान की, बोल श्री सतगुरु सन्यासी बाबा की, बोल बागेश्वर धाम सरकार की। कहाँ रहते हो? बड़ा अशोक नगर गुड़ियारी। हैं? बड़ा अशोक नगर गुड़ियारी रायपुर। गुड़ियारी? हाँ। रायपुर के हो? हाँ। अरे वाह, तो आपने विचार किया था कि बालाजी बुलाएंगे आपको? विचार तो नहीं किया, मन में बना के रखा था गुरुदेव की मतलब कैसे भी करके बुलाएंगे बालाजी। हैं? हाँ। गजबई हो गया यार भैया, वाह। नहीं हमारे हनुमान जी हैं तो बहुत प्यारे, वे ऐसे लोगन की सुन लेते हैं ये उनकी, और जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है नाटक करता उनकी नहीं सुना था। हाँ। पर जो सच्चे और पक्के वाले हैं सन्यासी बाबा उनकी। थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि आप पढ़ सको, इस तरफ मुंह करो बालाजी की तरफ, बोलो क्या समाधान श्री हनुमान जी के चरणों से पाना चाहते हो, पूछो। हनुमान जी आपके ऊपर सब लिखवा दिए गुरुदेव। हमें नहीं है पता, हम भूल जाते हैं। कुछ लिखे सब लिखवा दिए हनुमान जी। फिर भी इन लोगों के लिए मैं पूरा परिवार को भक्ति में लाना चाहता हूँ गुरुजी। एक सबसे पहले जो 17 साल से आज मैं जिस साईं बाबा की पूजा करता हूँ, हो सकता है वो रास्ता मुझे बतलाया हो कि मतलब कृष्ण जी की या राम जी की भक्ति करो। सही बताया उन्होंने, है ना? हाँ यही बताया होगा, इसलिए मैं साईं बाबा को अभी भी भक्ति मतलब करता हूँ। हाँ ना, कि मतलब रास्ता में मुझे और पूरे नहीं, महात्मा के रूप में। देखो लोगों को लगता है कि हम साईं बाबा के विरोधी हैं, हम विरोधी नहीं है। महात्मा के रूप में साईं बाबा को पूछ सकते हो, परमात्मा के रूप में नहीं। पहले भगवान मानते थे गुरुजी, जब से कथा सुनना चालू किया हम मतलब संत मानते। बहुत सिद्धांतिक वादी, हम किसी भी भगवान की या किसी भी संत की अवहेलना नहीं करते, क्योंकि हम खुद संतों के दास हैं। आपकी जिनके प्रति श्रद्धा है बहुत रखो, और इतनी रखो कि उनके अलावा कोई दिखाई ना दे। चलो दूसरा प्रश्न करो। और एक मेरे भाई का लड़का है, वो बोल नहीं सकता गुरुजी, बहुत परेशान है वो, क्या करूं उसके लिए? बस और ज्यादा कुछ पढ़ो। उठा पटक मची घर में लगातार 15 साल से। हाँ। आपके यहाँ पर धन तंगी बनी, सबको भक्त बनाना चाहते, बालाजी के दास बनेंगे, आप राम भक्ति करना चाहते गुरु प्रेरणा से, जो सही है। आपका भतीजा जन्मजात मूक बद्ध है, जन्मजात मूक बद्ध है, डॉक्टर ने ला इलाज घोषित कर दिया, परंतु कुछ कुछ शब्द उसके उच्चारण होने लगे हैं, 30% आराम मंत्र चिकित्सा से उसे लग जाएगा, आशीर्वाद है। बोल बालाजी सरकार की, बोल बाके बिहारी लाल की। एक प्रश्न और आया, गुरुजी भक्ति करना चाहता हूँ, किसका करूँ मैं? राम जी। राम जी, धन्यवाद गुरुदेव। इसी में आया पर्ची में, एक आपका पुराना घर कहाँ है? वही है गुरुदेव, मतलब दो निवास है। हाँ। आपके दो निवास अभी है? दो पहले मतलब रेलवे के जमीन में था। हाँ। तो बेच दिए बहुत पहले, 7-8-10 साल पहले। हाँ। दो मकान नहीं, 2010 तक तो वो आपके पास था। हाँ, 2010 है ना, आपने 2012 के लगभग में उससे वहां से दूर भय उसको विक्रय किया। वहां पर आपने देवी को स्थान दिया था? देवी को नहीं, कोने पर अभी भी इसमें पर्चे में लिख करके आया है, और कोने में अलमारी में कोई स्थान बना रहा। अलमारी जानते हो देवी? ये कुल अलमारी नहीं, पहले वाला मकान। हाँ, 2010 के पहले। हाँ, हाँ तो वहां दिया था क्या? देवी का तो ऐसा याद नहीं है गुरुदेव, किया हो तो याद नहीं। अलमारी में तो रखा था आपने, तो दूसरे से भेज दिया, बहुत दिन हो गया उसमें, पता नहीं अब क्या है। क्योंकि बार बार स्वप्न भी इसका संकेत लगता है, हम इसके बारे में और भी डिटेल दे सकते हैं। राम सीताराम सीताराम सीताराम, उस मकान की और स्थिति निकाली जाए।
सन्यासी बाबा की, बोल बागेश्वर धाम सरकार की, बोल श्या बलराम चंद्र की। ये आपके पूरे मकान का डिटेल हमारे पास आया है, सन्यासी बाबा ने दिया, जिसके बारे में हम आपको कह रहे हैं। सन 2008 का वह मकान, जमीन पीछे की तरफ खाली पड़ी थी, आगे में दो कमरे बने हुए थे, पटरी के पास पुल के पास में वह स्थान था, शंकर जी की पिंडी भी रखी हुई थी। आपने माइक से बोलते जाओ, शंकर जी की पिंडी आपने रखी थी। हाँ। देवी को स्थान सन 2006 के अंत में नवरात्रि की पंचमी को नींबू व नारियल अलमारी में रख करके आपने दिया था। सही है गुरुदेव, बराबर। हाँ, बराबर है। हाँ। बराबर। सीताराम, सीताराम ये पर्चा है, उनके नाम से आपको इस नवरात्रि को हवन करवाना है, क्योंकि किसी को भी बुलाओ तो भोजन देना पड़ता है, आवाहन करो निमंत्रण करो तो भोजन, तो इस नवरात्रि को हवन करा दियो। हम तुम्हें एक भगवती का कवच देंगे, कवच अभिमंत्रित देंगे, वो धाम पे मिलेगा, और जाओ तुम्हारी राम भक्ति बढ़े, बालाजी तुम्हारे साथ नित्य रहें, और पूरा परिवार भक्त बने, और भतीजे को लेकर आओ, आशीर्वाद है। बोल बागेश्वर धाम सरकार की। कोई संदेह पल्लो, कोई संदेह, बराबर। चलो अंगला भेजो तुरंत, पल्लो पल्लो पाओ पल्लो, तुम अच्छे भक्त हो, कल्याण हनुमान जी खूब दया।